TVS का 7 point TVS ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, यह है बीरेन बासु रोड में, और यह भवानीपुर सिमेट्री के एकदम सामने जो गली है उसके अंदर में घुसते ही ये सर्विस सेंटर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कोलकाता के हो और आप यहाँ आना चाहते हो, साउथ में रहते हो, तो 7 point TVS का सर्विस सेंटर। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ये इनका एंट्री है, यहाँ पे ऐसे एंट्री होता है, यहाँ पे आपका गाड़ी इस साइड में रिसीव किया जाता है और यहाँ पे आपको टोकन जनरेट किया जाता है, यहाँ पे सब नोटिंग होता है, आपको एक जॉब कार्ड में आपको एक टोकन दिया जाएगा, उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव खुद आएगा और वो आगे का प्रोसीजर टेक ओवर करेगा। ये देखिए पीछे का जो चक्का है वो कंपनी के बंदे ने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है, और ग्रीस करने का मकसद ये होता है कि मूवमेंट जो है वो फ्री हो जाता है एकदम, क्योंकि पहला सर्विस जो है वो करीबन या तो 2 महीने के अंदर या 500 किलोमीटर से 750 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो ये जो है मेरा तो कुछ कम ही चला है, 200 किलोमीटर के आसपास ही चला है, तो ये करने से क्या होता है कि नेक्स्ट सर्विस तक आपका गाड़ी फ्री चलता है, ग्रीसिंग होने से आपका गाड़ी भी स्मूथ रहता है और ये भी अच्छा। रियल टेक चैनल में आपका स्वागत है, और थोड़ा आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद नियाज। मोहम्मद नियाज। अच्छा, और आप कितना साल से सर यहाँ पर सर्विस कर रहे हो? 8 साल से। 8 साल से। ये देखिए अपना स्कूटर का सर्विसिंग शुरू हो गया है, और ये देखिए कंपनी ने इसका चक्का भी खोला है और ये पूरा अच्छी तरीका से ये सर्विस हो रहा है। अभी हम लोग डाल रहे हैं इसमें फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने का सोचा है। 715 रुपया कंपनी का रेट है इसमें। ये देखिए कंपनी इसको अच्छी तरीका से पहले ब्रेक पैड को घिसी है और इसमें अभी ग्रीस दे रही है। सर आप थोड़ा बताते जाओगे कि क्या क्या कर रहे हो आप? पहले आपने क्या किया? बोल नहीं पाएंगे सर, जिस काम करने ना काम में बोलने में जो काम डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, तो पहले इसने ब्रेक पैड में ब्रेक को अच्छी तरह से घिसा है और उसके बाद इसने ग्रीस लगवाया है। चलिए हम लोग भी इनको डिस्टर्ब नहीं करते, इनका काम करने देते हैं। ये देखिए टायर भी अभी पूरा ग्रीसिंग करके इसको साफ किया जा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट सर्विस है तो ये ज़रूरी भी है, तो इसको पूरा स्क्रबर से घिस के और एयर प्रेशर से पूरा डस्ट पार्टिकल को साफ़ किया है। ये देखिए पुराना जो केमिकल है जो हम लोग का पहले का ग्रीस था वो ग्रीस निकाल दिया है ऑयल, और इस बैरल में कंपनी ने डाल दिया है। तो देखिए जितने भी नट बोल्ट्स हैं सबको टाइट किए जा रहे हैं। ये कंपनी का प्री चेकिंग रहता है कि फर्स्ट सर्विस में जब गाड़ी आती है जितने भी नट बोल्ट्स हैं उसको टाइट किए जाए, जहाँ जहाँ ग्रीस लगाने का दरकार है ग्रीस लगाया जाता है। हाँ, बेशक ग्रीस के मेरे से 35 रुपये लिए गए हैं, तो 35 रुपया इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, और हम लोग को देना ही चाहिए, कंज्यूमेबल में जाता है वो। तो कभी भी अगर आते हो सर्विस कराते हो तो ये सब चीज़ में आप
सर्विस सेंटर को भी सपोर्ट कीजिए। 35-40 रुपये के लिए किचकिच मत करिए, दे दीजिए और अपना गाड़ी को सर्विस होते हुए आप देखिए। अब ये देखिए आगे का जो चक्का है इसमें कंपनी पूरा ग्रीसिंग करेगी। ये देखिए फ्रंट पोर्शन जो है एयर प्रेशर से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं सबको निकाले जाते हैं। ये देखिए इसमें भी कंपनी ने ऑयल डाला है, लुब्रिकेंट डाल के नट बोल्ट को टाइट कर रहे हैं ताकि अगली बार जब वो खोलें सेकंड सर्विस के लिए तब वो इजीली खुल जाए, रस्टिंग ना हो। TVS की सर्विस पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। मैं तो पहली बार ये TVS का गाड़ी लिया हूँ, इसके पहले मेरे पास एक रेपुटेबल होंडा एक्टिवा थी और मैं अभी तक तो बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि TVS बहुत अच्छी तरीका से साफ़ सुथरा तरीका से काम कर रही है। और ये नहीं कि मेरे को शूट का परमिशन दिया गया है इसलिए मेरे सामने काम कर रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है। ये देखिए मैं सामने भी दिखा रहा हूँ, वो भैया भी देखिए वो दूसरा गाड़ी में काम कर रहे हैं। ये देखिए जितना भी, ये देखिए फुटपैक्स के जितने भी नट बोल्ट है सब टाइट किए जा रहे हैं। देखिए जो मैंने गार्ड लगाया हुआ है उसको भी सब टाइट करके कसा जा रहा है, जबकि गार्ड मैंने बाहर से लगवाया है, फिर भी उनका ड्यूटी है कि जितने भी नट बोल्ट है सब टाइट किए जाएं। तो मायकादा जो TVS कंपनी का प्रोटोकॉल है सर्विस रिलेटेड वो सब फॉलोअप किया जा रहा है, वो सब फॉलोअप किया जा रहा है और ये एक अच्छी बात है। और मैं इसीलिए एक वीडियो बनाना चाहता था कि क्लैरिटी मिले। बहुत बार क्या है कंपनी वाले परमिशन नहीं देते हैं शूट करने को, तो इसमें पता चल जाता है कि क्या झोल है। लेकिन TVS मैं एक ही बार अनिर्बंधा और कौशिकदा से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को ऐसे शूट करना है, तो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने मेरे को एक ही बार में बोल दिया कि सर आप आराम से शूट कर सकते हैं। ना उसने मेरा चैनल देखा, ना कितने सब्सक्राइबर्स है ये देखा, ना मेरा यहाँ पे कोई ऐसा कोई ये है जान पहचान है। मैं तो पहली बार TVS का गाड़ी लिया हूँ लेकिन उनको पता है कि सर्विस बाकायदा अच्छा से होने वाला है, तो अगर बंदा शूट कर रहा है तो क्या खराबी है। तो बहुत बड़ा मैं थम्स अप दूंगा इसके लिए। अब ये देखिए डिस्क ब्रेक का जो है, डिस्क ब्रेक को साफ किया जाएगा। ये कैलिपर है डिस्क ब्रेक का, ये ब्रेक पैड को साफ किया जाएगा। ये हाई प्रेशर से जितने भी डस्ट पार्टिकल या कुछ हो वो सब निकल जाता है। इसमें भी देखिए ग्रीसिंग कंपनी ने कर दिया है
35 रुपीज़ ग्रीसिंग का चार्ज लिया है, लेकिन 35 रुपीज़ में सब जगह जहाँ जहाँ ग्रीस का दरकार पड़ता है वो लोग ग्रीस डाल दे रहे हैं। तो ये 35 रुपीज़ कस्टमर को कभी नहीं अकड़ेगा और ना अखड़ना चाहिए। जो ऑयल है वो भी चार्जेबल है, बाकी फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस आपको सर्विस फ्री मिलेगी। बेसिक जो सर्विस होता है वो फ्री मिलेगा, नो लेबर चार्जेस। और इसी के डिस्क पैड को भी हाई प्रेशर से साफ किया गया है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर किसी को डाउट हो कि सर्विस कैसा रहता है, तो मैं यहाँ बता दूँ कलकत्ता में जो ये सर्विस सेंटर है यहाँ पे तो कोई भी इशू नहीं है। ये 7 पॉइंट का सर्विस सेंटर है, मैं बाहर में आपको उसका बोर्ड भी दिखा दूँगा। और ये वाकई में जितने भी बंदे हैं बहुत ईमानदारी और लगन से सर्विस कर रहे हैं। सब अपने अपने स्कूटर जो दिए गए हैं या बाइक दिए गया है उसके पीछे लगे हुए हैं, सर्विस अच्छे से कर रहे हैं। और मेरे को जैसे मैं दूसरे सर्विस सेंटर में देखता हूँ कि कस्टमर्स चिल्ला चिल्ली करते हैं, झगड़ा होता है, यहाँ पे मैं ऐसा अभी तक मैंने कुछ फेस नहीं किया है ना मैं देखा हूँ। ये देखिए ये जो कैलिपर है इसको भी टाइट किया जा रहा है, ग्रीस लगा दिया है। वीडियो लंबी बनेगी लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कोई एडिट करके कोई भी चीज़ ना डालूं, भले लंबा वीडियो हो, जो रियल फुटेज है वही मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं। मेरे को देखिए ये भाई से कुछ नहीं बोलना पड़ रहा है, वो अपने से काम किए जा रहे हैं। उल्टा मैं जब उसको पूछ रहा हूं तो वो मेरे को बोल रहा है कि सर आप शूट कीजिए, मेरे को अपने हिसाब से करने दीजिए। तो ये भी अच्छी बात है, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो जहाँ जहाँ रस्ट लगने का खतरा रहता है वहाँ वहाँ इन्होंने एक ये केमिकल डाला है, WD-40। ऐसे क्या होता है भैया, रस्ट नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता, जाम वाम रहता है ना, तो जाम वाम जो रहता है वो फ्री हो जाता है। ये देखिए चाबी का जो इंसर्ट है यहाँ पे भी उन्होंने ये डाला है, मतलब भाई साहब को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, उनका जो प्लान है वो अपने हिसाब से किए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो लॉक होता है सीट का उसमें भी डाले हैं। ये देखिए मैं आपको केमिकल भी दिखा देता हूँ, ये TVS का अपना केमिकल है, फोर वे ल्यूब एंड क्लीनर। ये देखिए जितने स्विचेज हैं, स्टार्टर बटन है, हॉर्न बटन है, इंडिकेटर स्विचेज है, ये आपका पासिंग लाइट है, ये सब के अंदर में इससे फ्री हो जाता है सब। ये देखिए आपका I3S टेक्नोलॉजी जो है इसका, यहाँ पे अपना रेस में एक्सीलेटर रेस वाला जो चीज़ है उसमें, तो ये चीज़ अच्छी मेरे को लगी। अभी देखिए सब बटन का चेक किया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं, हॉर्न भी चेक हुआ है। देखिए लाइट
लाइट का भी चेक किया है। सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर? गियर बॉक्स में ऑयल दे रहे हैं, गियर वाला। अच्छा, अभी गियर बॉक्स में जो बचा हुआ ऑयल है वो डाला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये नहीं है कि खाली मेरा ही हो रहा है, ये देखिए ये सब सर्विस सेंटर का काम हो रहा है। ये देखिए ये भाई साहब भी काम कर रहे हैं, ये भाई साहब भी काम कर रहे हैं, तो एक के बाद यहाँ पे एक हर काम हो रहा है और काम भी अच्छी तरीका से ही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। ये देखिए ये भाई साहब भी काम में लगे हुए हैं, मतलब जो जो गाड़ी आ रहा है सबका अच्छे तरीका से काम हो रहा है। अब चलिए हम लोग अपने में आते हैं। ये देखिए ये देखिए ये है TVS का 10W30 SL, ये है फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो ये हम डाल रहे हैं, ये इसलिए डाल रहे हैं थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये 715 रुपये का है, कंपनी ने 715 ही लिया है और ये कंपनी का कहना है कि 4000 किलोमीटर तक ये चलेगा। तो चलिए अपना गाड़ी में रिस्क ऑयल है, नॉर्मल इंजन ऑयल डालने से अच्छा है कि फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल ही डाला जाए। क्या कलर भी देखिए ग्रीन है, नॉर्मल जो इंजन ऑयल होता है वो कुछ ऑरेंजिश टाइप होता है लेकिन ये ग्रीन है। ये देखिए पूरा ग्रीन है। और ये देखिए ये इंजन ऑयल डाला जा रहा है। काम एकदम परफेक्ट तरीका से हो रहा है, बोलना नहीं पड़ रहा है भाई को, जो उनका प्रोसेस है वो एक के बाद एक वो कर रहे हैं। और थैंक यू TVS सर्विस सेंटर जिसने मेरे को परमिशन दिया है शूट करने के लिए। तो यहाँ के जो मैनेजर है वो अनिर्बन दा है, थैंक यू अनिर्बन दा और कौशिक दा, जो मुझे परमिशन दिया गया है कि आप यहाँ पे आके शूट के लिए। तो शूट करने से क्या होता है, सब कुछ बहुत ओपन हो जाता है कि कंपनी वाले बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा है कि क्लैरिटी रहता है और सब कुछ क्लियर रहता है। बहुत बार क्या होता है आदमी सोचता है कि नहीं गाड़ी अंदर में दे दिया क्या होता होगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी सर्विस सेंटर काम अच्छे से ही करता है, क्योंकि एक रेपुटेशन का सवाल होता है, एक प्रेस्टीज का भी सवाल होता है। और ये देखिए जैसे भैया ने इसमें डाला है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये अपना पूरा इंजन ऑयल चला गया। देखिए मैं आपको एक और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें एक लीटर है, 715 रुपये लिया है, इसमें 800 ml कुछ अंदर गया है गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने मेरे को ये वापस दे दिया कि सर इसमें 180 ml कुछ बचा है, या आप अपने घर में ले जाइए, नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो इसको पहले डाल देंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो मेरे को TVS के बारे में लगा। अभी मेरा गाड़ी वॉशिंग में जा रहा है, वॉशिंग में ही है और ये पूरा वॉश होगा अच्छी तरीके से, और इसके बाद उन लोग का कोई पॉलिश होता है वो पॉलिश करके वो दे। तो वॉशिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड द सर्विस, सर्विस के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री आता है। और ये भी देखते हैं कि कितना अच्छी तरीके से वो लोग वॉश कर रहे हैं, शैम्पू वैम्पू फोम वोम दे के वॉश कर रहे हैं। तो चलो ये अच्छा चीज़ है, हाई प्रेशर वॉशिंग भी हो रहा है, गाड़ी भी अपना साफ हो रहा है। अभी देखिए कंपनी का बंदा जो है, भैया आपका नाम हम भूल गए, मोहम्मद मियाज। अब मोहम्मद मियाज भाई हमको पीछे बिठा के कस्टमर को ले जा रहे हैं कि आप पहले, वो खुद गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं और मेरे को पीछे बिठाए हैं। एक बात बोलना है। हाँ बोलिए।
ओके सर, थैंक यू सर। इतना चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ और इसका भी एक अलग ही आनंद है। ये ब्रेक टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो में झटका लगेगा क्योंकि ये ब्रेक टेस्ट कर रहे हैं कि गाड़ी कैसा चल रहा है कैसा नहीं। वाकई में TVS की सर्विस मेरे को ऑन पार लगी अदर रेपुटेड कंपनीज के हिसाब से। मेरे को तो कोई भी डाउट नहीं है और जिसको भी डाउट है वो TVS का गाड़ी आराम से ले सकता है। आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए तो ऑब्वियसली सामने वाला भी अच्छे से ही आपके साथ बर्ताव करेगा। जनरली देखा जाता है कि सर्विस सेंटर में जाके कस्टमर चिल्ला चिल्ली करते हैं, पहले ही उनके साथ व्यवहार ख़राब करते हैं। तो वही हम लोग भी इंसान हैं, अगर आप सामने से अच्छे से व्यवहार नहीं रखोगे तो सामने वाला आपको कैसे रिस्पेक्ट देगा। अरे आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपने चेक कर लिया बस सब कुछ आ गया। और आप जब बोले हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी आ जाइएगा, ये बहुत बड़ा बात आप बोले हैं कि पैसा नहीं लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप आ जाइएगा, हम लोग बैठे हैं आपके लिए। हाँ 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 नहीं नहीं बहुत अच्छा व्यवहार लगा, बहुत अच्छा मेरे को ये चीज़ लगा। आप सर एक बार चला लीजिए ना सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं रिटर्न जब जाऊंगा मैं तो चला के ही जाऊंगा ना। नहीं नहीं आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ब्रेक वेक सब ठीक है, संतुष्ट हो। बस 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 कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए। अरे आप गाड़ी के डॉक्टर हो, जब डॉक्टर ही पेशेंट को देख लेता है उसके बाद हम लोग और क्या आगे बोलेंगे। ओके सर, ओके नचिया। अभी हम आए हैं 7 TVS के सर्विस सेंटर में। ये भवानीपुर सिमेट्री के एकदम सामने गली में है और मेरा सर्विस तो बहुत ब्यूटीफुली हो चुका है। मैंने पूरा वीडियो डाला है कितना क्लैरिटी और एकदम ओपनली यहाँ पे सर्विस होता है। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ के जो सर्विस इंचार्ज के जो मैनेजर है मिस्टर सनियाल, अनिर्बन सनियाल। तो सर विरल टेक चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग यू। एक नया रिलेशन आपके साथ बना है, बहुत बढ़िया। हम भी चाहते हैं कस्टमर के साथ रिलेशन। मैं पहली बार जुपिटर लिया हूँ। माइंड मत कीजिएगा, एक जनरली परसेप्शन होता है कि सर्विस सेंटर वाले लोग थोड़ा गलत काम करते हैं कि अंदर में आने नहीं देते हैं, बाहर से ही गाड़ी आप डिपॉजिट कर दो और फिर लंबा चौड़ा बिल बनाते हैं। लेकिन मैं अपना गाड़ी में देखा, अभी तो फर्स्ट सर्विस है, बहुत ओपनली यहाँ पे सर्विस हो रहा है। और मैंने जस्ट एक बार बाहर में कौशिक दा से रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं वीडियो बना सकता हूँ, उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने मेरे को तुरंत परमिशन दे दिया कि भैया आप आके वीडियो बनाइए, जबकि ना आप मेरे को जानते हो ना मेरा आप चैनल को जानते हो। तो सर इतना ओपन होने का क्या रीज़न है? सर देखिए, पहला बात है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप ये कर रहे हैं। हमें इससे पहले भी बहुत सारा आदमी आके यहाँ से वीडियो किया, यूट्यूब में चैनल में दिया है, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं क्या काम करता हूँ। इतना विश्वास मेरा खुद में है। और आप जो यहाँ पे आए हैं देखे आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कस्टमर लोग हैं वो लोग देख रहे हैं, सामने आके बात कर रहे हैं, देख रहे हैं हर एक गाड़ी का। खाली आपका नहीं, देखिए ये भाई गाड़ी का चक्का खुला जा रहा है। जो हम लोगों का प्रोसीड्योर है हम वो प्रोसीड्योर में पूरा जाएंगे, ठीक है। दूसरा बात है जो कंसेप्ट जो कस्टमर लोगों का जो बाहर है, देखिए वो कंसेप्ट ज़्यादातर ख़राब कर देते हैं बाहर वाला टेक्नीशियन या मैकेनिक लोग। जो वहाँ पे जाइएगा ये फलाना फलाना चीज़ होगा, तो मैं हर एक कस्टमर को आज के तारीख में बोलना चाहता हूँ कि ये BS6 गाड़ी है, ये बाहर वाला टेक्नीशियन कदापि नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए जो टेक्निक होता है वो जानना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है इसके लिए क्या होता है, टैब से इसका डायग्नोसिस किया जाता है जो उन लोगों का पास नहीं है। और तीसरा बात है कि अगर हम
आपको इतना ओपनली दे सकता हूँ क्योंकि हमको पता है जब मैं क्या काम कर रहा हूँ। आप लोग आके खुद ये आपका गाड़ी क्यों, दूसरा गाड़ी का भी देख लीजिए सेम, वो गाड़ी शायद कस्टमर नहीं है लेकिन उसका काम सही एक ही सिस्टम में चल रहा है। तो ये हम हमारा प्रोसीड्योर है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। मैं ये भी अपना वीडियो में दिखाया हूँ कि मैं जब शूट कर रहा था तो मेरा गाड़ी के मैं अपना गाड़ी का जब शूट कर रहा था तो टेक्नीशियन तो काम कर रहा था, लेकिन बगल वाला टेक्नीशियन अपने काम में बिजी था, उसका बगल वाला टेक्नीशियन जो है सर्विस वाले है वो अपना गाड़ी में बिजी था। मतलब सबको अपना अपना जॉब दिया हुआ, सब अपने अपने गाड़ी में बिजी है। बस देखिए सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, सिस्टम में पूरा वर्कशॉप चलता है यहाँ। और मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन मैंने बहुत बार देखा है क्योंकि के सर्विस के जहाँ पे गाड़ी जाता है वहाँ तक भी कस्टमर को नहीं जाने देते हैं, दूसरा जगह कस्टमर को बिठा दिया जाता है और बोलते हैं कि आप वही कांच का विंडो से आप देखिए कि आपका गाड़ी में क्या और क्या नहीं। लेकिन आपके यहाँ पे मैं देखा कस्टमर आराम से वो जो मेन पैसेज है जहाँ पे गाड़ी ये आपका हाइड्रोलिक में जब चढ़ता है वहाँ पे भी कस्टमर आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं नहीं देखिए सर, आप लोगों का गाड़ी है ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी जानने का ज़रूरत हो तो ये आपका ये अधिकार है हमसे पूछना, और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको उसके बारे में सही दिशा या मार्गदर्शन करना। मैंने वो फुली सिंथेटिक वाला इंजन ऑयल लिया, उसमें एक लीटर वाला डब्बा था, 800 ml के आसपास गया, वो जो बचा था वो भी वो आपका टेक्नीशियन ने मेरे को दे दिया कि भैया इसको आप रखिए, घर ले जाइए, अगले बार लेके आइएगा। ये दूसरा जगह होता तो शायद वो डब्बा का अता पता भी ना होता। नहीं हम लोग तो जो काम करते हैं, जो भी सामान चेंज होता है वो भी रिफंड करता है, कस्टमर अगर नहीं भी रहता तो उसमें प्लास्टिक में लेके हम लोग लगा के रखते हैं कस्टमर। नहीं नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कस्टमर बोलता है कि हमको नहीं चाहिए तो वो खुद ही फेंक के चला जाता है डस्टबिन में। क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये जुपिटर में आया था कि मेरे को अब लेना है तो TVS जुपिटर ही लेना है, इंडियन ब्रांड लेना है, क्योंकि बहुत नेगेटिव सुनते हैं हर कंपनी के बारे में। लेकिन मैं बोला नहीं, एक बार अपने को ट्राई करना है, देखना है। लेकिन मैं वेरी वेरी सेटिस्फाइड हूँ कि आपका यहाँ पे कितना ओपनली और अच्छी तरह से काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। और मैं हर एक कस्टमर जो भी TVS का है उसको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। हम लोगों का नंबर जो है मैडम प्रोवाइड कर देगी, जितना भी बुकिंग का नंबर है ठीक है, मेरा नंबर भी है, मेरा नंबर है 8335060683। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 8335060683। अगर कुछ भी सलाह का ज़रूरत हो, कुछ सर्विस ओरिएंटेड काम हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ आप लोग आके हमसे मीट कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे बुकिंग देके काम करा सकते हैं। हमारा विदाउट बुकिंग होता नहीं है, पहले दो दिन पहले बुकिंग करा के आप लोग आ जाइए कल। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं से भी गाड़ी खरीदिए, TVS का गाड़ी कहीं से भी पूरा इंडिया में कहीं से भी खरीद लीजिए, उसका अगर वारंटी है, सही ढंग से उसका सर्विस हुआ एज़ पर नॉर्म्स, उसका वारंटी हम लोग दे देंगे। और कहीं से भी गाड़ी खरीदिए उसका फ्री सर्विस वारंटी सब मेरा यहाँ से मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सर थैंक यू वेरी मच, ये भी बहुत बड़ा बात है कि एक सर्विस हेड जो यहाँ के हेड है, जो मैनेजर है, वो अपना नंबर दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। नहीं तो जनरली कोई भी अपना नंबर पर्सनल नंबर नहीं देता है। मेरा पहले वीडियो में भी देख सकते, मेरा ही नंबर दिया। नहीं सर, आशा करता हूँ कि ये मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ इसलिए मेरा गाड़ी सर्विस अच्छा से हुआ है, ये नहीं। मैं आशा करता हूँ कि जो भी कस्टमर है वो सब, हाँ मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो वो चीज़ बोल ही रहा हूँ वीडियो में कि मैं देख रहा हूँ कि सबका काम हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि सर TVS ने जो अपना सर्विस का एक लेवल इतना ऊंचा किया है वो बरकरार रहे। सर TVS की सिटी में एक नंबर है, पूरा जितना भी कंपनी है उसमें सर्विस में एक नंबर है अभी तक। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और एक नया रिलेशन आपके साथ बना है सर। एकदम ये देखिए अपना बिल बन रहा है, 3500 ग्रीस का लगेगा, 715 रुपया कुछ लुब्रिकेंट का था वो लगेगा, और कुछ 84 रुपीज़ का वो WD-40 था वो लगेगा। चलिए देखते हैं कितना रुपये का बिल आता है। 150 रुपया देगा सर। कितना रुपये का बिल हुआ देखिए, मेरा बिल भी आ चुका है। पहले मैंने डाला था एक सिंथेटिक इंजन ऑयल जो 715 का था, उसके बाद 3500 का कुछ ग्रीजिंग था, और उसके बाद WD-40 से जो वो नट बोल्ट्स में सब जो स्प्रे किए उसका कुछ 85 रुपीस था। तो उन्होंने मेरे को अपने तरफ से 5% का डिस्काउंट भी दिया, तो 790 रुपये का मेरा टोटल बिलिंग हुआ ऑन फर्स्ट सर्विस। तो 790 में तो 715 रुपये का तो खाली इंजन ऑयल है सिंथेटिक वाला, फुली सिंथेटिक वाला, तो आप समझ लो 80-85 रुपया के आसपास कुछ मेरा लगा है जस्ट फॉर ग्रीजिंग और WD-40 जो स्प्रे किया है उसके लिए। तो ठीक ही है,
वेरी मच सेटिस्फाइड बाय द सर्विस। अपना सर्विस पूरा हो चुका है अपना जुपिटर का, और जब जॉब जॉब का नंबर आप लेते हो फ़ोन करके, तो तुरंत ही जब आप आते हो तो तुरंत ही आपको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है आपका ड्यूटी को आगे ले जाने के लिए। तो कौशिक सर जो है यहाँ के, वो तुरंत आए मेरे को हेल्प आउट करने के लिए, और इनका बहुत ही सहयोग रहा है आगे स्मूथ प्रोसेस करने के लिए। तो थैंक यू कौशिक भाई, और विरल टेक चैनल में आपका स्वागत है। आप कुछ बोलना चाहोगे कस्टमर को जो टीवीएस गाड़ी लेना चाहता है और सर्विस के लिए थोड़ा सा जिसको थोड़ा डाउट है? टीवीएस गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी में सभी गाड़ी सही है। अच्छा। लेकिन टीवीएस गाड़ी उससे बढ़िया है। ठीक और है। हम लोग वर्कशॉप में विजिट कीजिए, 7 पॉइंट वर्कशॉप है भवानीपुर में, कोई भी इशू होगा हम लोग देख लेंगे, और कुछ भी दिक्कत होगा गाड़ी लेकर आइए, डेफिनेटली हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे जितना भी आपका प्रॉब्लम रहे। वीडियो तो मैंने बना ही लिया है, कितना ओपनली आप लोग सर्विस करते हो। कोई भी कस्टमर आराम से जाता है, बात करता है, जो टेक्नीशियन उससे बात करता है, कोई भी आप लोग का यहाँ पे छुपाने वाला कोई नहीं, सिस्टम नहीं है, बहुत ही ओपन है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और आशा करता हूँ कि यू कीप अप दिस गुड वर्क सर। थैंक यू वेरी मच सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वाह।